हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बेसिकली एनालिसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो वाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हाउ मच टाइम इट विल टेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये कितना टाइम लेगा तो वो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस कैलकुलेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम है जब इसका ये प्रोग्राम बनेगा और इसे एग्जीक्यूट आप करेंगे तो ये कितना टाइम लेगी लेकिन एक्चुअल इट इज़ नॉट वॉच टाइम इट इज़ नॉट वॉच टाइम इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ हम देखेंगे कि हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अज्यूम करके चलेंगे वन यूनिट टाइम लगेगा एंड टोटल जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं हम उनको सम कर लेंगे और वो फाइनल उसका आपका आंसर होगा ध्यान रखिएगा ये एल्गोरिथम का एनालिसिस है सो इट इज़ नॉट वॉच टाइम ये क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कि जितने स्टेटमेंट आप एग्जीट कर रहे हैं हर एक स्टेटमेंट के लिए वन यूनिट आप एज्यूम करिए और उनको सम कर लीजिए नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये कह रहा है कि हाउ मच स्पेस इट विल टेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये कितना स्पेस लेगा उसको क्या बोलते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं ये कौन से स्पेस की बात कर रहा है किस स्पेस की बात कर रहा है ये स्पेस कहाँ पे लगेगा इट इज़ ए रैम स्पेस ये जो स्पेस है ये स्पेस क्या है इट इज़ ए रैम स्पेस ओके इसमें भी हम उसी तरह से करते हैं कि हर एक एक जो भी जितने भी आपके वेरेबल्स हैं हर एक वेरेबल के लिए हम वन यूनिट स्पेस एज्यूम कर लेते हैं और टोटल जितना भी वरेबल्स uh, हैं उनको सभी को हम सम कर लेते हैं जितने भी अरे हैं जितनी मेमोरी एलोकेट हुई उन सभी को सम कर लेते हैं वो उसका फाइनल आंसर होगा देखिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हमने एक कोड लिखा हुआ है एल्गोरिथम स्वैप ए कोमो बी टेम्प में ए ए में बी एंड बी में टेम्प तो माय डियर देखिएगा यहाँ पे जो इसका नाम है एल्गोर्थम का स्वैप ए बी इसके लिए कोई टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है स्टेटमेंट एक्चुअल जो एग्जीक्यूट होंगे वो क्या होंगे टैंप में ए ए में बी बी में टैम्प और स्वैप हो जाएगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं कि टाइम कम्प्लेक्ट इट इज़ नॉट वॉच टाइम हर एक स्मॉलेस्ट जो स्टेटमेंट है उसके स्मॉलेस्ट टाइम कितना है वन यूनिट टाइम और इसके लिए वन यूनिट एंड वन यूनिट तो टोटल तो अगर मैं देखूँ इसका जो टाइम फंक्शन है वो क्या है टोटल इज़ थ्री

बी है बी के लिए वन डे स्पेस एंड टैम टेम के लिए वन डे स्पेस तो ये सारे वेरेबल्स हैं एंड टोटल अगर मैं स्पेस फंक्शन की बात करूँ तो स्पेस फंक्शन इट इज़ ए थ्री वर्ड्स सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट इट इज़ ऑर्डर ऑफ वन तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं देखिए ये एक और मैंने एल्गोरिथम लिखा है इसका कोड लिखा है इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना है तो ध्यान रखिएगा जब भी ये एल्गो या कोई भी ये एल्गो जब होता है तो इसमें करली ब्रेसेस वगैरह एग्जीक्यूट नहीं होते ये इसका नेम है एग्जीक्यूट नहीं होता है कंपाइलर इसे जैसे सबको एलिमिनेट कर देता है तो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है कि एस में क्या जीरो साइन हो रहा है इसके लिए वन यूनिट ये देखिए फॉर लूप कितने टाइम्स चल रहा है एन टाइम्स ये ट्रू होगा व एक बार फॉल्स होगा तो इट इज़ एन प्लस वन टाइम्स ये स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है कितने बार एग्जीक्यूट होगा एन टाइम्स और रिटर्न एस इट इज़ इज़न सो so, मैं इसके अगर टाइम फंक्शन की बात करूँ टाइम फंक्शन एफ एन इक्व टू सभी को सम कर लीजिए इट इज़ टू एन प्लस थ्री एंड टू एन प्लस थ्री इसमें कॉन्स्टेंट एलिमिनेट कर दीजिए तो इसका आंसर क्या है असिमटोटिक आंसर जो असिमटोटिक एनालिसिस के थ्रू इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन तो इसका जो फंक्शन है टाइम फंक्शन दैट इज ऑर्डर ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए कितने वेरेबल्स हैं आप उनको सम कर लीजिएगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर देखिएगा एक एरे है उसमें एरे का साइज एन है इसके लिए एन एन इसके लिए वन यूनिट एन एक वेरेबल है एस एक वेरेबल है इसके लिए वन यूनिट आई एक वेरेबल है इसके लिए वन यूनिट टोटल अगर हम सम करते हैं तो स्पेस फंक्शन इक्वल्स टू इट इज़ टू एन प्लस नॉट टू एन इट इज़ नॉट टू एन इट इज़ एन प्लस थ्री तो आंसर इज ऑर्डर ऑफ टेन माय डियर हम लोग मॉडलर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं मॉडुलर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं मॉडलर प्रोग्राम क्या कहता है कि जितने भी फंक्शन आपको कॉल करने हैं मेन से आप कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन में ही उन सारे फंक्शंस के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो मॉडुलर प्रोग्रामिंग में हम ये जो एरे पास होके आ रहा है इस कोड के अंदर एरे कहीं से पास होके आया है तो इसके लिए एक्चुअल मेमोरी कॉलिंग फंक्शन में ही आपको एलोकेट हो चुकी है तो एक्चुअली मॉडल प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाली कॉस्ट हम ऐड नहीं करते हैं क्यों क्योंकि इस कोड में एरे के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है ऑलरेडी एरे जहाँ डिक्लेयर किया गया होगा वहाँ पे इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई ऑलरेडी कॉलिंग फंक्शन में इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है ऑल राइट right? तो मॉडल प्रोग्रामिंग में ये कॉस्ट आपकी हट जाएगी ये कॉस्ट हटेगी सो इट इज़ थ्री सो इट इज़ थ्री थ्री इज द कॉन्सटेंट सो राइट आंसर राइट आंसर इसका ऑर्डर ऑफ वन कॉन्सटेंट तो दोस्तों इस तरह से हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं इनको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे असिमटोटिक एनालिसिस पढ़ने के बाद तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिमटोटिक नोटेशंस दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत